कि आप इस लॉकडाउन में अपने आसपास के एरिया में, अगर आप सक्षम है तो अपने आसपास के एरिया में कोई भी ऐसा जरूरतमंद लगता है तो आप उनके हेल्प के लिए आगे बढ़ें, ताकि उन्हें ऐसे सिचुएशन में वो अकेला महसूस ना करें, वो असहाय महसूस नहीं करें। हाय गाइस, कैसे हो? लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी मुश्किलें भी हैं, लेकिन सभी तमाम मुश्किलों के साथ एक बड़ी मुश्किल आती है जो मेडिकल इमरजेंसी कहलाता है। जब कभी ऐसा मुश्किल सिचुएशन आता है, जैसे मैं खासकर मैं बात करूंगा आज डेंटल मेडिकल इमरजेंसी का, कि जब दांतों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए और ऐसे टाइम में लगभग सभी हॉस्पिटल्स बंद हैं, डेंटल क्लिनिक हो, प्राइवेट हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट क्लिनिक, सभी बंद हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में जब किसी के साथ मुश्किल आता है, दांतों में दर्द होता है, तो दांतों का दर्द कभी भी किसी वक्त और किसी को भी हो सकता है। एक्चुअली मैं डेंटिस्ट को क्लिनिक क्लोज करने का एक खास वजह यह भी है कि डेंटल जो डेंटिस्ट होते हैं वो काफी हाईली रिस्क लेकर ट्रीटमेंट करते हैं। उनका जो होता है ओरल ट्रीटमेंट करना होता है, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं कि एक डेंटिस्ट का पेशेंट से कितना क्लोज डिस्टेंस होता है। ऐसे में किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, वो डॉक्टर को होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिस वजह से आज के टाइम में बहुत सारे डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिक बंद कर ली है। लेकिन आप लोगों की दुआओं से, हम जिस एरिया में रहते हैं, हम बिहार में रहते हैं और यहाँ आप लोगों की दुआओं से, और मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे पूरे विश्व के लिए, लेकिन हमारे बिहार में अभी ये जो पेशेंट है इस टाइप के, जो कोरोना डिजीज के, वो यहाँ ना के बराबर पाए गए हैं। और जिस एरिया में हम हैं वहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ तो गरीब तबके के लोग भी हैं, तो उन लोगों को मैं अभी डेंटल फैसिलिटी दे रहा हूँ। क्लिनिक पर जाकर से इमरजेंसी कॉल्स आ जाते हैं हमारे पास, तो हमें जाना होता है क्लिनिक में और उनको ट्रीटमेंट देना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं क्लिनिक में भी अभी कंसल्टिंग फीस होती है हमारी, उसको भी मैं नहीं ले रहा हूँ। और मुझे खुशी बहुत ज्यादा होती है जब मैं किसी के लिए कुछ कर पाता हूँ, करता हूँ जो वो बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी एक स्टेप भी अगर मैं किसी के लिए लेता हूँ जो उसके भले के लिए होता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। जैसा कि मैंने आज से कुछ दिन पहले आप लोगों के रिक्वेस्ट पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिससे बहुत सारे पेशेंट व्हाट्सएप पर वो सवाल करते हैं, अपने डेंटल प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो अपने डेंटल इमेजेस भी भेजते हैं, एक्सरे भी भेजते हैं, और उन्हें सही एडवाइस मैं दे पाता हूँ व्हाट्सएप के जरिए। और कई पेशेंट के साथ मैं ऑडियो कॉल से भी जुड़ता हूँ और उन्हें मैं फ्री में एडवाइस देता हूँ। ये मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ, लेकिन आज के टाइम में लॉकडाउन पर मुझे ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये रहा कि उनके दांतों में जब कोई प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है और कोई हॉस्पिटल पास का कोई क्लिनिक नहीं खुला है, तो वैसे में वो क्या करें? बिना सलाह के कोई मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, बिना सलाह का कोई दवा लेना भी हाईली रिस्क हो जाता है, उससे किसी तरह की एलर्जी हो सकती है या किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए मैंने जिस वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक दिया है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप उस वीडियो को देखकर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आप ले सकते हैं। और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि उस कॉन्टेक्ट नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप से लोग मैसेज करने के लिए मैंने वो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। और अगर इस टाइम में, आज लॉकडाउन के टाइम में, मैं आपसे बताऊंगा कि वो हमें मैसेज करने के बाद वो हमसे कॉल से जुड़ सकते हैं, वॉइस कॉल से, व्हाट्सएप के वॉइस कॉल से हमसे जुड़ेंगे और अपना प्रॉब्लम बताएंगे। मैं उन्हें कोशिश करूंगा कि उनको बेहतर सलाह दे पाऊं। व्हाट्सएप पे मैंने जितने भी लोगों को एडवाइस दिया, उन्होंने जो बाद में उन्होंने जो रिस्पांस किया, तो काफी पॉजिटिव रिस्पांस किया कि आपके सलाह से हमें काफी फायदा हुआ। तो मुझे खुशी हुई कि चलो, हमारा एक कदम जो है आप लोगों के लिए जो हमने उठाया वो कारगर हुआ। तो फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन में मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के साथ, हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उनके साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर जो ऊपर में नंबर जो आ रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करेंगे और मैसेज करने के बाद आप हमसे प्रॉब्लम बताएंगे। और अगर मुझे लगेगा या फिर आपको लगेगा कि मैं बात करके बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को, तो आप मुझे उस पर मैसेज कर देंगे कि सर, मैं आपसे कॉल करना चाहता हूँ, और मैं आपको
पर डे शाम 8 बजे से 9 बजे तक मैं आप लोगों का कॉल लूंगा। फ्रेंड्स अभी व्हाट्सएप पे कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके एक दो पेशेंट ने पाहिया से जुड़े सवाल किए, उनके गम्स से काफी ब्लीडिंग हो रही थी और मसूड़े में पेन था और मैंने उनको मेडिसिन एडवाइस किया कुछ जो जेन्युइन हो सकता था उनसे उनका मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद। और फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड किया कि काफी बेहतर है, अब काफी आराम भी है। तो मैं लॉकडाउन की वजह से जो मुश्किलें आ रही है वो हम सब पूरा हिंदुस्तान उस मुश्किल में एक साथ खड़ा है। और एक बार फिर मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये लॉकडाउन समाप्त हो और जो आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में जो वैश्विक महामारी फैला हुआ है वो प्रार्थना करते हैं हम परमात्मा से कि ईश्वर से अल्लाह से खुदा से कि वो इसे समाप्त करे और हम लोग फिर से नॉर्मल लाइफ जैसे जी रहे थे वैसे जिए। और एक बात खास तौर पे मैं विनती करना चाहूंगा कि आप इस लॉकडाउन में अपने आसपास के एरिया में अगर आप सक्षम है तो अपने आसपास के एरिया में कोई भी ऐसा जरूरतमंद लगता है तो आप उनके हेल्प के लिए आगे बढ़ें ताकि उन्हें ऐसे सिचुएशन में वो अकेला महसूस ना करें, वो असहाय महसूस नहीं करें। यही ह्यूमैनिटी है और हम सब इंडियन इस ह्यूमैनिटी का परिचय देते हुए एक दूसरे का मदद करेंगे ताकि हम एक मिसाल कायम कर पाएं और हम सब मिलकर इस बुरे दिन से बाहर निकल पाएंगे।